लखनऊ में मदरसे सर्वे को लेकर दारुल उलूम की होगी बैठक, सर्वे के खिलाफ उठ रहे हैं आवाज। यूपी में चल रहा है मदरसों का सर्वे, 11 पॉइंट पर मांगी जा रही है जानकारी, खर्च आय से लेकर पाठ्यक्रम से जुड़े हुए हैं सवाल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का आज होगा राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सम्मेलन, ताजा सियासी मुद्दों पर विचार होगा। आज सोलन के दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, चुनाव को लेकर मंथन मुमकिन। अमानतुल्ला खान से आज एसीबी की टीम करेगी पूछताछ, 4 दिन की एसीबी कस्टडी में है आप विधायक। अमानतुल्ला खान पर है वक्फ बोर्ड भर्ती में घोटाले का आरोप, एक करीबी सहयोगी भी गिरफ्तार हुआ है। केजरीवाल ने किया अमानतुल्ला खान की गिरफ्तारी का विरोध, ट्वीट करके गिरफ्तारी को गुजरात चुनाव से जोड़ा। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा केरल के अलापुजा जिले से निकलेगी, केरल में 450 किलोमीटर का सफर तय कर रही है राहुल की यात्रा। भारतीय क्रिकेट टीम की T20 वर्ल्ड कप के लिए जर्सी होगी आज जारी, ऑस्ट्रेलिया में होना है T20 वर्ल्ड कप। हाई प्रोफाइल सोनाली फोगाट केस में सीबीआई की कई टीमों ने शुरू की जांच, गोवा में 9 घंटों तक जांच चली। सीबीआई टीमों ने कई अहम सबूत भी जमा किए, सोनाली के पीए सुधीर सांगवान के कमरे का कोना कोना खंगाला गया। सबसे अहम जांच ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट में, यहीं पर ठहरे थे सोनाली और सुधीर। रिजॉर्ट के कमरों में सीबीआई की एफएसएल टीम ने जांच की शुरू, सुधीर के कमरे की वीडियोग्राफी भी हुई। रिजॉर्ट के स्टाफ का भी बयान दर्ज किया गया, कर्लीस क्लब में भी जांच हुई। बदायूं में लखीमपुर खीरी जैसी घटना, नाबालिका खत्म, रेलवे स्टेशन के पीछे जंगल में मिली लाश, घर से पकौड़े लेने निकली थी नाबालिग लड़की, अगवा करके कत्ल का आरोप। परिजनों का आरोप लड़की से किया गया था रेप, पुलिस पर मिलीभगत का आरोप। पुलिस ने कराया शव का पोस्टमार्टम, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं, पुलिस के पास कई सवालों के जवाब तक नहीं। पुलिस मौके पर पहुंची, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम है तो जनपद बदायूं भेजा गया है, परिजनों को शिनाख्त के लिए भेजा गया है थाना फैजगंज भेटा। लखीमपुर रेप कांड को लेकर एक्शन में योगी सरकार, एसआईटी गठन किया। आरोपियों के घरों पर चलेगा बुलडोजर, प्रॉपर्टी भी कुर्क होगी, गैंगस्टर एक्ट भी लगेगा। लखीमपुर कांड में अब तक 6 लोग गिरफ्तार, सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। हजारीबाग में भीषण बस हादसा, अब तक 8 लोगों की मौत, कई लोगों को रेस्क्यू किया गया। पुल से गिरी थी बस, प्रधानमंत्री ने हादसे पर जताया था दुख। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च की नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, बोले विकसित भारत की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम। पीएम मोदी ने आईटीआई के कौशल दीक्षांत समारोह को संबोधित किया, 9 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं को कौशल दीक्षांत समारोह की शुभकामनाएं दी। हैदराबाद दौरे पर टीआरएस और बीजेपी के बीच में जंग दिखी, तेलंगाना में भारत में विलय को टीआरएस ने मनाया एकता दिवस, जबकि बीजेपी ने मनाया मुक्ति दिवस। दिल्ली में बीजेपी के बस्ते संपर्क अभियान में शामिल हुए जेपी नड्डा, कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं को हर वर्ग तक पहुंचाने की अपील की। दीपोत्सव से पहले अयोध्या को राममयी बनाने की यूपी सरकार की तैयारियां, नेशनल हाईवे पर लगवाए जा रहे हैं भगवान राम और ऋषि मुनियों की मूर्तियां। आतंकवाद पर चीन पाकिस्तान की नापाक जुगलबंदी, 26/11 के मास्टरमाइंड साजिद मेर पर कार्रवाई में अड़ंगा डाला। जामिया यूनिवर्सिटी ने दिल्ली दंगों के आरोपी सफूर जरगर के कैंपस में दाखिल होने पर बैन लगाया, एडमिशन भी रद्द किया। ईओडब्ल्यू की टीम ने जैकलिन के ड्रेस डिजाइनर को सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया, सूत्रों के हवाले से खबर। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक छात्र ने खुदकुशी की, घटना को लेकर यूनिवर्सिटी में हंगामा। आयुष मंत्रालय ने शुरू किया सेवा पखवाड़ा, सफाई अभियान भी शुरू किया।
यूपी के फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं नीतीश कुमार। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बयान, मिल जाए अखिलेश तो बदल जाएगा माहौल, लेकिन आखिरी फैसला नीतीश का। दशहरा रैली को लेकर उद्धव शिंदे में दोनों मिठानी, दोनों गुटों ने शिवाजी पार्क पर ठोका दावा, भीड़ जुटाने की होड़ लगी। उद्धव बोले, शिवसेना छोड़ने वाले ठग। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी, IRCTC 10 अक्टूबर को कर रही है बिहार से स्वदेश दर्शन यात्रा की शुरुआत। उद्योग मंत्री उदय सामंत ने आदित्य ठाकरे की बैठक का उड़ाया मजाक, उनके पिछले कार्यकाल की जांच करने की चेतावनी थी। लखीमपुर कांड पर बोले सपा सांसद ST हसन, पत्थरों से मार कर ली जाए आरोपियों की जान। यूपी में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जमकर बरसेंगे बादल। अकोला में एक घंटे की तूफानी बारिश, कई रास्तों पर नदी जैसा नजारा। चार दिनों से हो रही बारिश की वजह से हालात बहुत खराब, कई बांध पुल खोले गए, बांधों के गेट्स। लगातार हो रही बारिश से उधम सिंह नगर में हाहाकार, रास्तों से होकर खेत खलियान, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी। वाशिम में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें जलमग्न, रुक रुक कर शहर में बारिश हो रही है, शहर की रफ्तार भी थमी। बारिश में भी बाबा केदार के दर्शनों के लिए लंबी लंबी लाइनें, केदारनाथ धाम के पहाड़ियों में बर्फबारी भी हुई। केदारनाथ धाम में भक्तों की आवाजाही से पूरा धाम गुलजार, बारिश के बाद ठंड बढ़ी। बद्रीनाथ धाम में भारी बारिश के बावजूद दिख रहा आस्था का सैलाब, दर्शनों के लिए 3 किलोमीटर तक लंबी लाइन। बारिश के बावजूद मंदिर प्रांगण श्रद्धालुओं से गुलजार, केदारनाथ यात्रा रुकने की वजह से बद्रीनाथ में भारी भीड़। बद्रीनाथ से लेकर चमोली तक कई जगहों पर बर्फ गिरी, ठंड में इजाफा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन पर देश को किया रिटर्न, दिया रिटर्न गिफ्ट, नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में छोड़ा गया। ये मोदी ने देशवासियों से की अपील, नामीबिया से लाए गए चीतों को देखने के लिए अभी धैर्य रखें। चीतों के भारत आने पर सियासत तेज, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने किया ट्वीट, पूछा 8 चीते तो आ गए, अब बताइए 8 सालों में 16 करोड़ रोजगार क्यों नहीं आए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी तंज ट्वीट कर लिखा, सबको इंतजार था दहाड़ का, पर यह तो निकला बिल्ली मौसी के परिवार का। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर देशभर में जश्न, मुंबई में बीजेपी ने हेल्थ कैंप और रक्तदान शिविर का आयोजन किया। पीलीभीत में लगातार हो रही बारिश के बाद से किसानों का बुरा हाल, धान और गेहूं की फसल पानी में डूबी, गन्ने के खेतों को भी नुकसान। 2 दिन के बाद केदारनाथ धाम की यात्रा फिर से खुली, मौसम विभाग ने बारिश को लेकर जारी किया है हाई अलर्ट। बागेश्वर में लगातार बारिश के बाद सड़कें बंद, साथ ही धान की पकी हुई फसल को भी बड़ा नुकसान। मध्य प्रदेश के सीहोर में बीमार महिला को खाट पर लिटाकर उफनता नाला करवाया गया पार, अस्पताल में देरी से पहुंचने की वजह से मौत, पुल पार कराने का वीडियो वायरल। अल्मोड़ा में लगातार बारिश से मकान का बड़ा हिस्सा गिरा, नालों की सफाई नहीं होने की वजह से जल भराव की वजह से यह बड़ा नुकसान हुआ। अलीगढ़ में MMU टीचर्स एसोसिएशन का चुनाव टालने का विरोध, बीजेपी ने VC का पुतला फूंका। इंदौर के राहुजी बाजार नाले में गिरे 2 बच्चे, 1 की मौत। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर गांधीनगर में लगाए गए पौधे, सीएम भूपेंद्र पटेल ने कार्यक्रम में शिरकत की। देहरादून में बस में लगी आग, गुजरात से यमुनोत्री आई थी बस। भद्रक में हावड़ा भुवनेश्वर जनशताब्दी ट्रेन पटरी से उतरी, कोई जख्मी नहीं। आगरा में एक विदेशी जोड़े ने हिंदू रीति रिवाज से की शादी, रिक्शे से आई बारात। कानपुर में KDA के खिलाफ फ्लैट मालिकों का प्रदर्शन, 3 साल पहले बने फ्लैट्स में रिस रहा है पानी। MP में 2023 चुनाव की तैयारी, कांग्रेस ने किया चुने हुए डेलीगेट्स का कार्यक्रम। उज्जैन के महाकाल मंदिर में रिकॉर्ड 81 करोड़ की दान जो है धनराशि मिली, सोने चांदी के जेवर भी दान में मिले। भरपुर में बाढ़ से हालात बेहद खराब, बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने जायजा लिया।
जम्मू में पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश आयोजित किया गया लेक फेस्टिवल। हरिद्वार में कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया कैदी फरार, अब तक कोई सुराग नहीं। दिल्ली पुलिस की जनता से संवाद बढ़ाने की कोशिश, वी केयर के नाम से किया गया कार्यक्रम, एलजी ने भी की शिरकत। पहुंच कृषि विज्ञान केंद्र की पहल, पोषण को लेकर शुरू किया गया खास अभियान, पौधारोपण से भी में भी कर्मचारियों ने शिरकत। अंबोर में अब इंडोर केसर का उत्पादन पर जोर, सरकार ने जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया। गाजियाबाद में अनोखे ढंग से मनाया गया प्रधानमंत्री का बर्थडे, ब्लड डोनेशन कैंप में 1.5 लाख यूनिट ब्लड इकट्ठा कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश। प्रधानमंत्री मोदी अध्ययन केंद्र ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर मनाया लोक सेवा और राष्ट्र निर्माण दिवस, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में राष्ट्रीय संगोष्ठी समेत कई कार्यक्रम आयोजित। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मथुरा में भी विशेष कार्यक्रम, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल। देवघर में प्रधानमंत्री के लिए रखी गई खास पूजा अर्चना, प्रधानमंत्री की लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए मांगी गई दुआ। जन्मदिन पर भावुक हुए प्रधानमंत्री मोदी, कहा मां के पास नहीं जा सका लेकिन लाखों माताएं आशीर्वाद दे रही हैं। भोपाल में ऑटो ड्राइवर और उसके साथी की करतूत, 11 साल के बच्चे से छेड़छाड़ के बाद ऑटो में डालने की कोशिश की। गुरदासपुर में गुरुद्वारा साहिब के गोलों के पैसे को लेकर विवाद, पैसे निकालने का वीडियो हुआ था वायरल। राजगढ़ के जेल में कैदी की काटी गई दाढ़ी, रिहा होने के बाद कैदी ने कलेक्टर से की थी शिकायत। गोड़ा की कोर्ट ने दो रेपिस्ट को सुनाई उम्र कैद की सजा, नाबालिग के साथ की थी दरिंदगी। मुजफ्फरनगर में सड़क पर चलते गन्ने से भरे हुए ट्रक में लगी आग, ड्राइवर ने गाड़ी से कूद कर बचाई जान। सुकमा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 700 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। कानपुर में नाबालिग लड़के से रेप, धमका कर केस वापस लेने का दबाव भी बना। झालावाड़ में पुलिस के हाथ लगे 4 हथियार तस्कर, तस्करों से 4 पिस्टल मैगजीन, 3 खाली मैगजीन और 3 जिंदा कारतूस बरामद। गुजरात के दाहोद में सड़कों पर निकले लोग, 19 साल के दिव्यांग लड़की से रेप के बाद आक्रोश। महेंद्रगढ़ में पुलिस के हाथ लगे 2 अवैध तस्कर, 16 अवैध हथियारों समेत 247 जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के बलरामपुर में करंट लगने की वजह से 2 सके भाइयों की दर्दनाक मौत।